और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मायसेल्फ रंजन, पॉलिटिकल साइंस। आज क्या तो छुट्टी हो चुका है, अब हम लोग का क्या करना है कि जितने भी हॉस्टल में हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या होता है कि उनको रूम खाली करना होता है। रूम खाली मतलब कि आपको यहाँ से भगा नहीं दिया जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब आपको एक तरह से आपको जितना सारा सामान है आपको पैक करना है और एक रूम में रखना है, या फिर आप वार्डन से एप्लीकेशन दे करके एक रूम ले सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं अपना सामान रख सकते हैं। तो चलिए आपको किन्हीं लोगों से मिलाते हैं, देखते हैं। रूम खाली होने का पर्पस ये है कि अब जो न्यू एडमिशन होने वाला है उनको फिर हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, साथ साथ में हम लोग जैसे सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो चुका है तो अभी वन मंथ का छुट्टी है, तो लगभग 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो जब 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ पे आएंगे तब तक हम लोग को भी हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। और यहाँ तक कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी छात्र या छात्राओं जो भी है अगर वो फेल करता है कोई भी सब्जेक्ट में तो उसको हॉस्टल में अलॉट नहीं होता है, उसे फिर बाहर में पीजी लेना पड़ता है। एक थोड़ा सा फैक्टर है। और गर्ल्स की मैं बात करूं तो हॉस्टल सभी को मिल जाता है, चाहे वह किसी में भी किसी का बैग क्यों ना है, अगर बैग आता है गर्ल्स में तो वो एचओडी से साइन करवा के एडजस्ट कर सकती है अगर कहीं हॉस्टल में सीट खाली रहा तो। बात रहा कि बॉयज का, बॉयज में तो मोस्टली मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जो पूरा स्टूडेंट्स है उसमें से हो सकता है 20% या 30% को ही मिलता है। अगर मैं बात करूँ कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं 40 स्टूडेंट्स है एक बैच में तो मोस्टली अगर 20 बॉयज़ है तो उसमें से 10-15 मिल जाएगा। फिलहाल अभी एक और हॉस्टल बढ़ने वाला है फॉर बॉयज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि सभी को मिल जाना चाहिए। और अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, सभी कुछ तैयारी हो चुका है, घर जाते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी 15 अगस्त के बाद। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी चीज़ रिलेटेड, इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, यूट्यूब पे आप जाइए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फिलहाल रामानुजन है और बगल में अमी जय बाबा, फिर बगल में बहुत सारे हॉस्टल है, आपको सारा कुछ बता चुके हैं। बहुत सारा अगर जानकारी लेना है तो आप मेरा जितना प्रीवियस ब्लॉग है सब देखिए, चाहे वह हॉस्टल का हो चाहे बॉयज़ या गर्ल्स का, सभी चीज़ में जानकारी दिया गया है। अच्छा ठीक है, अब जैसे की बात है कि मैं अभी 15 अगस्त के बाद फिर यहाँ पे आने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ आने के बाद फिर क्या है कि हॉस्टल मेरा अलॉट हो जाएगा, मुझे जाना है, पेमेंट करना है और फिर आकर के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना है। यहाँ तक कि आप लोग ही जब आने वाले हो तो आप लोग को भी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, 10,500 के आसपास है, जो 2 सेमेस्टर के लिए है। और ये जो प्रोसेस होता है ये हर एक ईयर यहाँ पे अलॉटमेंट होता है और हर एक ईयर आपका जो 2 सेमेस्टर है उसके बाद आपका रूम चेंज होता है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे या मैसेज करो। यदि आपको यहाँ पे रहना है कि हॉस्टल में जैसे कि अभी छुट्टी हो रहा है तो 1 मंथ के लिए छुट्टी हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि घर ना जाएं और यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक सिंपल से एप्लीकेशन लिखना है और वार्डन को जाके सबमिट करना है। अब बात रहा खाना खाने का कैसे करना है, एक्चुअली जो भी गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल है तो उसमें से एक एक मेस चल रहा है। अभी फिलहाल हम हैं रामानुजन में, तो ये रामानुजन का हॉस्टल का जो मेस है चलेगा और एस एन बॉस और हमीज बाबा का बंद हो जाएगा। वैसे ही गर्ल्स में सीमा चटर्जी हो चाहे वहाँ पे टोटल 4 हॉस्टल, उसमें से 2 का मेस चलेगा, आप वहाँ जा करके खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाना नहीं मिलेगा, खाना मिल जाएगा, रहने वगैरह सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पूरा सामान पैक हो गया। फिलहाल अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बाइक से दिल्ली जाने वाले हैं, मैं और फिलहाल अभिषेक है। यहाँ से दिल्ली लगभग 120-130 किलोमीटर है, तो आज बाइक से तो चलने वाले हैं, वैसा तो ट्रेन से ही चलने आए हैं, चलने वाला है।
फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं पूरा पूरा पानी भरा हुआ, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।